अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं गाजर गोश्त, जिसके लिए हमने आधा किलो गाजरें काट ली हैं और इसमें 1.5 पाव के करीब गोश्त लिया है और हमने इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। छः से सात टमाटर इतने ज़्यादा रखेंगे क्योंकि गाजरों का टेस्ट मीठा होता है, तो इसमें हमारी जो रेसिपी रेडी होगी वो मीठी ना हो, तो इसलिए इसमें टमाटर ज़्यादा ऐड किए जाते हैं। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, कम से कम 2 से 3 चम्मच जो मेरे पास आप देख रहे हैं, मैं जिससे ऑयल ऐड कर रही हूँ ये वाला। और अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे चॉप हुई। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, इतना पकाएंगे कि हमारा गोश्त गल जाए, क्योंकि हमने बीफ ही है इसलिए। हमारा सालन जो है वो अब भुनने वाला है। हमें जो गाजर हैं इसको चमचे की मदद से मसल लेना है, सालन मतलब पेस्ट की तरह बना लेना है, और गोश्त चेक करते हैं हमारा गला या नहीं। गोश्त गल चुका है, तब भून लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।